तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले के अलग अलग फॉर्म है। देखिए, जब आपका हमें पता है कि आपको क्या हाइट पता है और बेस पता है, हाइट सपोज करो एच है, बेस सपोज करो बी है, तो इसका जो एरिया होता है वो हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, इन केस ऑफ राइट एंगल, या आपका बड़ी आसानी से हम इसको क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या अगर बेस और हाइट पता है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की मदद से एरिया निकाल सकते हैं इसका, ट्रायंगल का। ठीक, दूसरा केस हमने 9th में पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले में क्या था कि अगर तीनों साइड पता है तो हम इसका एरिया ढूंढ सकते हैं बाई हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन आज केस थोड़ा सा अलग है। आज केस कैसा है कि आपका तीनों वर्टेक्स पता है। क्या है तीनों वर्टेक्स? तीनों वर्टेक्स का मतलब ये है, जैसे देखो ये आपका x1, y1 है सपोज, ये x2, y2 है सपोज, और ये आपका x3, y3 है सपोज। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उस पे बात करें। ठीक है, तो पहले तो डिराइव कर रहे हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला डिराइव करते ही एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो देखिए किसके एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम पे थोड़ा फोकस करना और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कैसे काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपका डायग्राम बनाया है, तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये डिक्लेयर कर लिया हमने सबसे पहले। ठीक, तो इन तीनों को मिलाता तो एक क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल का नहीं पता कैसा ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलिस भी हो सकता है। एक जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये ए मान लिया, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लिए, बी मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट x2, बी के कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2। ठीक हो गया, और सी मान लिया, सी के कोऑर्डिनेट मान लिया x3, y3। डन इतना। तो ए बी सी मानने के बाद आपको क्या करना है, देखो सीधे सीधे जो आपका ये वर्टेक्स वर्टिसेस है ना, इनसे नीचे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सीधे, बाकी कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। सीधे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये आपका जो वर्टिसेस है ना, ये इन तीनों ने एक चीज फॉर्म करी क्या, ये एक ट्रेपेजियम है नहीं है? ठीक, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ये देखिए ये पूरा एक ट्रेपेजियम है नहीं है? ठीक, ऐसे देखो ये भी आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक, तो होना क्या, देखो जब बात करूंगा कि आपका इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम इन ट्रेपेजियम का क्या करने वाले हैं, आज यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इन ट्रेपेजियम का यूज करने से पहले थोड़ा सा काम देखना कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x2 लिखा हुआ ना, ये x2 कोऑर्डिनेट। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x1। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x3। ऐसी y में देखो ये टर्म क्या है, कि थोड़ा सा ऑब्लिक बना लो इसको, थोड़ा ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है सोचना ऐसे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y2। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y3। अलग अलग हैं दोनों। ठीक, और ये जो टॉप मोस्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये है कौन, y1। ठीक, तो ये y3 और y2 अलग अलग हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा पैरेलल है, थोड़ा ऑब्लिक है सोच लो। ठीक, एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हम, एक जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी पैरेलल हो जाएगा पता। ठीक, पैरेलल होगा तो x2 और y2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं उसमें भी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ करना क्या है, इसका एरिया निकालना नहीं है। ये एरिया निकालता हूँ तो ट्रेपेजियम का यूज़ कर रहा हूँ, किसका, ट्रेपेजियम का यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम का यूज़ करूँ तो उससे पहले मैं इनको एक नाम देता हूँ। देखो ए के करस्पॉन्डिंग पी दे दिया नीचे, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू दे दिया, और सी के करस्पॉन्डिंग दे दिया पॉइंट आर। ठीक, अब ढूंढना क्या है, उस पर फोकस करो। ढूंढना है मैं सिर्फ और सिर्फ ये एरिया। ठीक, तो ये एरिया ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो इस ट्रेपेजियम को ऐड कर रहा हूँ इस ट्रेपेजियम के साथ। तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो आना ही आना है, साथ ही साथ ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इस ट्रेपेजियम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेपेजियम को ऐड कर रहे हैं ना, ये ना, तो यानी कि हम किस किस को ऐड करने वाले हैं, ये और ये ऐड करूंगा किसके साथ, इसके साथ। तो क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा ना,
इस पार्ट को एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा। समझ गए इस चीज को? ठीक, तो देखो हम क्या करने वाले हैं। देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन, ABQPA ना, तो ये बन जाएगा आपका ABQP, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब नेक्स्ट ट्रेपेजियम कौन है, APRC, APRC। ठीक, तो इन दोनों से हुआ क्या, देखो ये एरिया तो आ गया है लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इस चीज को क्या करोगे माइनस, तो एरिया ऑफ क्या माइनस करना है, ट्रेपेजियम BCRQ, BCRQ। ठीक, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, ठीक, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो गौर से सुनना, ठीक है, अब बस लगभग लगभग पहुंच चुके। देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, तो पहले वाले में देखो ये और ये पैरेलल होंगी क्योंकि ये 90 है, तो ये और ये पैरेलल है, तो इसका सम क्या है, देखो ये चीज़ कितनी है, गौर से देखो ये हाइट है कितनी y2 है ना, और ये हाइट कितनी है y1, और वैसे कहूँ तो ये कौन है बी क्यू, ये कौन है बी क्यू प्लस ये कौन है ए पी, ठीक, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी इंटू क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस आएगी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या होगी देखो यहाँ से यहाँ कितनी है एक्स वन, यहाँ से यहाँ कितनी है एक्स टू, तो ये बन गई एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, बन गई है एक्स वन माइनस एक्स टू, और अभी के लिए क्या है वो क्यू पी, समझ गए इतना, और प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पहले साइड दूसरे वाले में आओ देखो एक ए पी हो गया, और प्लस में कौन आ जाएगा सी आर, और इंटू में क्या आएगा इसके पी आर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला टर्म देखो माइनस में किसे करना, देखो माइनस हाफ ऐसी रहा, माइनस किसे करना है सम ऑफ पैरेलल साइड, इस वाले में सम ऑफ पैरेलल साइड में ये आ जाएंगे, देखो कौन कौन बी क्यू प्लस सी आर, और माइनस में क्या जाना है, सॉरी इंटू में क्या जाना है ये क्यू आर, ठीक हो गया, इस चीज को समझ गए होंगे। अब क्या करो, देखो इनकी वैल्यूज रख रहा हूँ, हाफ ऐसी रहा, ए बी क्यू कितना है, देखो बी क्यू है आपका वाई टू, और ए पी है कितना वाई वन, ये ए पी कितना वाई वन, इंटू क्यू पी अभी बताया है, क्यू पी कितना है एक्स वन माइनस एक्स टू, प्लस हाफ ऐसी रहा, ए पी कितना है फिर से वाई वन, और कितना सी आर कितना है वाई थ्री, और इंटू में क्या आ गया फिर से पी आर, देखो पी आर ये है ना, तो यहाँ से लेके इस पे फोकस करो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स थ्री, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ कितना है एक्स वन, तो ये बन गया एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक, तो ये इंटू में आ जाएगा क्या एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है, और लास्ट टर्म यानी माइनस में कौन बचा था, हाफ इंटू कितना, ये पहला टर्म हो गया बी क्यू सी आर, बी क्यू और सी आर यानी वाई टू प्लस वाई थ्री हो गया, और इंटू में क्या जाना है डिस्टेंस बिटवीन दम क्यू आर है ना, तो क्यू आर के लिए देखो एक्स थ्री माइनस एक्स टू, तो एक्स थ्री माइनस क्या आ गया एक्स टू आ गया, ठीक, तो अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे में से हाफ को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक, तो इस हाफ में से ये बन गया आपका हाफ, बाहर आया तो अंदर क्या चीज़ बन गई वाई टू इंटू वाई, सॉरी सॉरी वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू बना, प्लस वाई वन प्लस वाई थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स वन बना, प्लस माइनस वाई टू प्लस वाई थ्री के साथ क्या बना एक्स थ्री माइनस एक्स टू बन गया, ठीक हो गया इतना। तो इसने होने के बाद अब इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसी चीज़ आएगी उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, ये आएगा वाई टू से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो वाई टू मल्टीप्लाई बाई एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई वन मल्टीप्लाई बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, सॉरी मैंने एक्स वन माइनस क्या है एक्स टू है, ठीक है,
एक्स वन माइनस एक्स टू। अब उसके बाद क्या आएगा, और दूसरा प्लस ये वाई वन किसके साथ है, वाई वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स वन। ठीक, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलना चाहिए था। देखो ये कितना टर्म है, वाई टू प्लस वाई वन है ना, इस टर्म को ऐसे मत करो, सॉरी इस टर्म को क्या करो, एक्स के टर्म्स पे बोलो, एक्स के टर्म्स पे मतलब ये हाफ है सिरा, वाई टू प्लस वाई थ्री एस वन ऐसे छोड़ो, ठीक, और साथ में आ जाएगा एक्स वन, फिर माइनस वाई टू प्लस वाई वन और साथ में क्या जाएगा एक्स टू, ठीक, और फिर प्लस यहाँ आपका क्या वाई वन प्लस वाई थ्री और यहाँ साथ में क्या जाएगा एक्स थ्री, और माइनस वाई वन प्लस वाई थ्री और साथ में क्या जाएगा एक्स वन। ठीक, एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक, और प्लस इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस में है ना आइटम, तो ये माइनस में आएगा कितना, वाई टू प्लस वाई थ्री के साथ एक्स थ्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और इसके साथ आ जाएगा एक्स टू के साथ आ जाएगा कितना वाई टू प्लस वाई थ्री। ठीक, अब देखो आप ज़्यादा सोचो मत, सीधे सीधे क्या करो, वन बाई टू बाहर, अब सबसे पहले एक्स वन को बाहर लो, एक्स वन बाहर लेता तो ये टर्म बची और एक्स वन वाला टर्म कौन है ये, ठीक, तो एक्स वन को बाहर लिया तो ये वाई टू प्लस वाई वन बचा, और माइनस में कितना, माइनस अंदर ऑपरेट कर दो, देखो माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री बचा ना इतना, और फिर प्लस करो एक्स टू वाले टर्म को पकड़ो, एक्स टू वाला टर्म ये है एक और ये है, तो एक्स टू यहाँ क्या बचा है, वाई टू प्लस वाई थ्री बचा है, और यहाँ बाहर से माइनस है ना, तो माइनस वाई टू माइनस वाई वन। ठीक, और फिर एक्स थ्री को पकड़ो, एक्स थ्री के साथ क्या बचा है, देखो यहाँ बचा आपका वाई वन प्लस वाई थ्री, और यहाँ क्या बचा है माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री। ठीक हो गया, तो बस कहानी खत्म हो गई, देखो यहाँ वाई वन से वाई वन गया, और यहाँ वाई टू से वाई टू गया, यहाँ एक्स वाई थ्री से वाई थ्री गया। ठीक, तो बचता क्या है, वन बाई टू ऐसे रहा, ये बचा आपका एक्स वन के साथ वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू के साथ वाई थ्री माइनस वाई वन, और प्लस एक्स थ्री के साथ वाई वन माइनस वाई थ्री माइनस वाई वन, और यू एक्स थ्री के साथ वाई वन माइनस वाई टू। ठीक, तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक, अब देखो इसे ऐसा ही क्यों बनाया, इसे ऐसा ही इसलिए बनाया क्योंकि ये पैटर्न जो है याद करने में बड़ा आसान होता है। देखो कैसे, बात करनी वन और टू और थ्री पर, व्हील किस पे है, बस वन टू और थ्री, साइकिल है, देखो वन आया देन टू आया थ्री आया, देखो ये टू के बाद क्या आता है थ्री, थ्री के बाद वापस कहाँ आएंगे वन, और यहाँ देखो थ्री के बाद वन फिर टू। ठीक, बस फर्क क्या है, देखो बाहर एक्स और एक्स वाले सब बाहर आएंगे, यानी एक्स वन आएगा पहले बाहर, तो अंदर क्या बन जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री। याद करने का तरीका देखो, वन टू थ्री है तो बाहर एक्स वन आ गया, अंदर वाई में आ जाएंगे टू और थ्री, फिर बाहर एक्स टू आ गया तो अंदर वाई में आ जाएंगे थ्री और वन, बाहर एक्स थ्री आ गया तो अंदर वाई में आ जाएंगे वन और टू। ठीक, तो वन टू थ्री का क्या बनाना, आपने पैटर्न बनाना है, ये साइकिल बनानी, वापस यहाँ आएंगे देखो हर बार। ठीक, तो फॉर्मूला ये रहा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक, अब बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, एक दो तो क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसके बाद बाकी आपने करना है। ठीक, देखिए बेसिकली आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्या क्या होगा, देखो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ठीक, आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे कि एक्स वन कॉमा एक्स टू, सॉरी एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू और एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। ये कोऑर्डिनेट देने के बाद कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन का टाइप हो गया। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरे टाइप में कोऑर्डिनेट तो दिए होंगे लेकिन इनमें कोई अननोन भी होगा, बाकी सब दिए होंगे, इनमें कोई जैसे के अननोन हो गया, बाकी सब है। ठीक, तो के अननोन देने के बाद कहेगा कि ये जो है आपका या तो कोलिनियर है, क्या कहेगा, या तो कोलिनियर है या इसका एरिया क्या है, जीरो है। ठीक, कोलिनियर होने का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, और तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो कहेगा आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ऑल द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज जीरो। ठीक, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन नॉर्मल होगा कि आपका क्या करो, एरिया फाइंड करो किसका, ट्रायंगल का, अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक, तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें, तो इसमें जो 5 7.3 है हमारी, इसमें टोटल क्वेश्चन है 5। ठीक, तो एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सब आपने करना है, आज आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें पहले का पहला पार्ट है, देखो 2.3 -1.0 2.-4 ये दिया हुआ है, ठीक। तो इस पर बात करेंगे, आपका 2.3 -1.0 और 2.-4 पर इनको एक्स वन आई वन मानते हैं, कहानी खत्म। अब स्टार्ट करो, देखो गिवन गिवन वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस इसमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है 2.3 -1.0 और 2.-4, ठीक। इतना देने के बाद नीचे से कहोगे देयरफॉर एक्स वन इक्वल टू कितना आ गया 2, एक्स टू इक्वल टू कितना आ गया, पहला पहला पकड़ो 1, ठीक है ना, एक्स हो गया ये, एक्स थ्री इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक। और वाई वन कितना आ चुका है हमारा, वाई वन आ गया 3, वाई टू आ गया कितना 0, और वाई थ्री कितना आ गया -4, ठीक। इतना होने के बाद देयरफॉर एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ, फॉर्मूला याद करो, हाफ एक्स वन वाई टू -Y3 प्लस, ये देखो 1 2 3 का पैटर्न, एक्स टू वाई थ्री -Y1 प्लस एक्स थ्री वाई वन -Y2, बस इस तरह से पैटर्न याद करना है, ठीक है। पैटर्न याद जैसे ही हो जाए तो वैल्यू रखो, खत्म है कहानी, ठीक। अब देखो वैल्यू रखते हैं, तो हाफ ऐसी रहा, ठीक है। एक्स वन की वैल्यू रखो, देखो एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2, और वाई टू -Y3, वाई टू कितना है 0, और माइनस देखो -4 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक। और एक्स टू कितना है -1 है, और वाई थ्री कितना है -4, और वाई वन कितना है -3, ठीक हो गया इतना। अब अगला टर्म देखो, प्लस एक्स थ्री ऐसे आया, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स थ्री की वैल्यू है 2, और वाई वन -Y2, वाई वन कितना है 3, और -Y2 कितना है 0, ठीक। इसको बैलेंस करें तो हाफ ऐसे रहा, यहाँ चेक करो देखो 0 + 4 = 4, तो 2 × 4 हो गया है, और यहाँ -1 × -7 हो गया है, ठीक है। 4 और 3 दोनों सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, ऐड इसलिए हुए, और साइन किसका है माइनस का, क्यों आ रहा है, ठीक, क्योंकि आपका इन दोनों का साइन क्या था, माइनस था। 3 2 जा ये 3 × 2 क्या जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या आ गया 1/2 ऐसे रहा, 4 2 जा 8 प्लस ये क्या आ गया 7, और यहाँ प्लस कितना आ गया 6, तो ये ओवरऑल आ गया आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो बस ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो इस तरह से काम करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेनली यह है फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अप्लाई करो, कहानी खत्म करो, ठीक है। तो 7.3 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा समझने की बात है। अगर जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है आप बताएंगे, नहीं तो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की अगले सेशन पर, ठीक। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन आज करके देते हैं हमें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।